ओके सर, दिवाली की शुरुआत हो चुकी है, मेरे का ऑफिस क्या कहना चाहेंगे दिवाली के लिए? सभी देशवासियों की दीपावली की हार्दिक शुभकामना और प्रेम के साथ में सभी इस पर्व को मनाएं। सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी से नम्र निवेदन है कि ये प्रेम का त्यौहार है, इसको खुशी के साथ प्रेम के साथ में मनाएं। ओके सर, दिवाली की बात करें तो दिवाली कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, किस तरह की सेलिब्रेशन होती है और ये दिवाली कितनी खास है आपके लिए? दिवाली हमारे हिंदू धर्म के लिए एक धरोहर है श्री राम जी की, कि बुराई पर अच्छाई की जीत करके राम जी अयोध्या वापस हुए थे। तो मैं ये सभी से कहता हूँ कि अपनी बुराइयों का दहन करके सब अच्छाई के साथ में दीपावली को अपने घर को, अपने मन को, अपने शरीर को अच्छे से सजाएं और बुराइयों को छोड़ के अच्छाई से अच्छे से दीपावली एंजॉय करें और त्यौहार मनाएं। पूरी तरह सहमत हो चुकी, बोला है सबने। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है कि हम 4 महीने पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं, घर की साफ सफाई, घर की सजावट और अपने अच्छे कपड़े, अच्छे गहने और खाने पीने की चीज़ें सब इंजॉय करने के लिए ये त्यौहार आता है हमारे साल के अंदर। तो हम 4 महीने से ही शुरुआत कर देते हैं। एम्प्लॉयज हमारे भगवान है एक तरीका के, वो हमारे लिए पूरी साल मेहनत करते हैं, रात दिन वो हमारी कंपनी को आगे ले जाने के लिए, कंपनी को ग्रोथ करने के लिए काम करते हैं। तो एक दिन दीपावली का हम ऐसा मनाते हैं कि आज ये हमारे लिए नहीं, हमारे एम्प्लॉयज के लिए है। मैडम हो गया है, खुशी भी होती है बहुत, एक नॉर्मल से और एक एक्टर बनना बेटे के लिए तो वो खुशी तो होती है, हर पेरेंट्स को होगी, मुझे ही नहीं, सबको होती है। थोड़ा मैच्योर हो गया है, इसके साथ साथ शौक है उस सब चीज का, बस जैसे जैसे आइडियाज आते हैं मन में वैसा वैसा कर लेती हूँ, घर पे यहाँ पे ये होना चाहिए, वहाँ पे वो होना चाहिए, बस। कुकिंग में क्या स्पेशल बना है? वैसे तो मोस्टली हर चीज आती है मुझे, कुकिंग